जय जोहार दोस्तों, बोला राम राम, दादी नमस्ते राम संगवारी मला, जय जोहार। तो मैं आज नाथगांव घूमना है और राजनांदगांव के आज गोल बाजार देखा था नाथ मल्ला। तो बने रहे वीडियो में। अभी मैं लिफ्ट मांग के जाऊँ तो अभी कोई देखो ये तरफ हाईवे हवे रोड, तो मैं अभी कोई लिफ्ट मांग रहा हूँ, तो अभी कोई नहीं दिखा थे, तब तक चलते जाते वहाँ। आज के वीडियो में आपको नांदगांव का सैर कराएंगे घर बैठे, और देख सकते हो ये है हाईवे मनकी रोड, राजनांदगांव से 9 किलोमीटर आगे है। तो हम किसी को लिफ्ट मांगेंगे और अपन नांदगांव का आज मार्केट वगैरह दिखाते हैं। तो देखते हैं अब कोई मिल जाए तो लिफ्ट वगैरह। तो अभी तो कोई देगा तो लिफ्ट, तो देखते हैं कोई मांगते हैं। तो ये आधा रुक रुक, अरे माँ आधा चौथ लिख ना। तो यहाँ रुका रुक 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 गए रुक गए। तो अभी जाते हैं बैठा के लेकर। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? नांदगांव। चलो मैं भी जाता हूँ, चलो। तो एक लिफ्ट दिया हमको तो। चलो अब नांदगांव जाते हैं। ये भी भाई साहब नांदगांव जा रहा है, तो लिफ्ट मिल गया आज के लिए। चले एक काम कर, 200 रुपये दे और 50 रुपये काट ओवर एक्टिंग के वजह। देख सकते हो ये है नांदगांव का हाईवे रोड 4 लाइन। और सामने देख सकते हो ये संस्कार सिटी है, वो पीला पीला टट्टी कलर दिखा देना, वो संस्कार सिटी है। तो अभी तो खुली आसमानों में हम उड़ान ले रहे हैं। चलो भाई साहब आगे, अगर बहुत पेट्रोल पंप दिख जाएगा अपने को। और ये है कॉलेज हॉस्पिटल या कॉलेज नया। कल 2 दिन पहले 26 जनवरी है, इसलिए पुलिस चेकिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। माता छिटकार दिया रे लबड़े। एक ट्रक वाला हरामी माता छिटकार के रख दी। बाईपास आ गया। ये है छत्तीसगढ़ डेंटल कॉलेज राजनांदगांव। तो काफ़ी बढ़िया है, बहुत बड़ा है कॉलेज वगैरह, बहुत सारा है नांदगांव में पढ़ने के लिए। अगर आप पढ़ने में इच्छुक हो तो पढ़ सकते हो, कोई मेरी बात नहीं है, पढ़ना चाहिए। सुंदरा आ गया, यहाँ पे रहा है। चलो शर्मा होटल है सामने, यहाँ पे एक चालू है काम, लाइट वगैरह बना रहा है अभी, ट्रैफिक लाइट क्रेन में से होकर। यहाँ होटल आ गया है, एक रेस्टोरेंट, यह है मस्जिद हजरत सविका का नाम है। पीछे परली नाला, यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट होता है ना, इसलिए बैरीगेट वगैरह ज़्यादा है। सामने है परली नाला के पास CIT कॉलेज, नगर पालिका नगर निगम छत्तीसगढ़, इधर से ज़्यादा है CIT कॉलेज। इधर से जो हाईवे रोड जहाँ से हम सीधा अंदर होते ना होकर बाहर से जा सकते हैं, इधर ये रोड जाएगा। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो ट्रक का लाइन ही लगे हुए पीछे वगैरह। तो अभी बहुत ट्रैफिक है भाई, लोग ट्रैफिक है भाई साहब, बहुत आराम से धीमी गति से चलना पड़ेगा, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, लफड़ा हो जाएगा। चले दिल रहा रह रहे लफड़ा नहा कूद का भी तो जैसी तरह सत्यानंद अकोला और अभी भंडारा इधर से जाता है अकोला होकर अकोला। यहाँ पे सेकंड हैंड ट्रैक्टर मिल जाएगा, देखो पड़ा हुआ है, देखो इतना सा राज के थे सेकंड हैंड सोनाल का। हम लोग हाईवे रोड में हैं, अगर हनुमान मंदिर राम दरबार चौक बोलते हैं इस एरिया को, राम दरबार चौक में आपके स्वागत है। एक बार हाईवे से जाएंगे काबर, क्यों काबर के ऊपर वो हाईवे के ऊपर काम है ना एक थोड़ा सा, तो उसको निपटा लेते हैं उसके बाद। और ये आ गए सामने भारत साइकिल स्टोर, यहाँ पे साइकिल वगैरह बच्चों के लिए बाइक मिल जाएगा, खिलौना मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकल वाला बाइक मिल जाएगा। तो यह महिंद्रा थार है, थार नहीं ट्रैक्टर का शोरूम तो मिल जाएगा। बागेश्वर मंदिर का है एक, यहाँ पास बागेश्वर मंदिर का। और हम जा रहे हैं हाईवे रोड से ऊपर, तो हाईवे रोड से ऊपर जाएंगे, ऊपर का नज़ारा दिखाते हैं आपको। आधा ये है हीरो का शोरूम, इधर से अपना अंबागढ़ चौकी रोजना डोंगरगांव इधर रोड है, इधर जाता है पुराना बस स्टैंड से, यहीं पास रुकते हैं थोड़ा, उसके बाद
अगर जाना हो तो वहाँ पुराना बस स्टैंड से के पास बैठना, उसके बाद सीधा चौकी पहुँचाएगा अपने को अपने को। अभी हम हाईवे में चढ़ रहे, ऊपर चढ़ गए हैं, हाईवे हाईवे से नीचे का नज़ारा दिखाते हैं। इधर कल दोपहर से 26 जनवरी की तैयारी चल रहा है, इधर देख सकते हो 2 दिन पहले 26 जनवरी के दिन आए, 26 जनवरी तो तैयारी के साथ बड़ी धूमधाम से तैयारी चल रहा है। खतरनाक दिख रहा है, देखो पूरा तिरंगा से भरा हुआ है, तिरंगा कलर से भर दिया है स्टेडियम को। वहाँ पे मंच होगा, यहाँ पे रैली होगा, यहाँ पे चना मुरा बांटेगा, यहाँ पे खाऊ खजाना बांटेगा, गांधी सभागृह सभा। तो संगी संवारी हो, हम आ गए हैं डोंगर गाँव वापस, वापस नहीं घर जाने के लिए। तो अभी हम जाते हैं डोंगर गाँव के होटल में जाएंगे, नाश्ता करेंगे और भजिया खाएंगे और क्या करेंगे, घर जाएंगे सीधा। अगर वीडियो हम ज़्यादा नहीं बनाए ताकि समय नहीं से घर आए, बस शाम हो जाता तो हम वीडियो नहीं बना पाए राजनांद गाँव के मार्केट का अच्छे से। अभी मिलेंगे फिर बनाएंगे फिर से। तो चलो अभी नाचगाँव डोंगर गाँव का माहौल देखो आगे सामने का, इस तरह सा है डोंगर गाँव का माहौल। ये अभी सामने है बस स्टैंड, यहाँ बस दिखता है यहाँ पर, इसीलिए फल फूल का मार्केट लगाते हैं। होटल वो सामने वाला लास्ट होटल में जाएंगे, काबर की वहाँ पे थोड़ा सही रहता है खाना। लास्ट बस सब बड़े बड़े दुकान हैं, अभी बहुत यहाँ क्राउड ज़्यादा रहता है हर समय। अभी 26 जनवरी आने वाले 2 दिन पहले बाद तो और भीड़ होगा। तो अभी तो कॉलेज भी सामने है, इधर तो इधर से जाते हैं कॉलेज, होटल में जाते हैं हम। मट वाला कढ़ी तो खैर हम नाश्ता वास्ता कर लिए इस होटल में, अब जाते हैं घर। तब तक ले वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर कर। दोस्तों हम मोहड़ स्कूल में जा रहे हैं, खेल हो रहा है इधर देख सकते हो। ये मोहड़ स्कूल का खेल दिखाते हैं थोड़ा सा, कबड्डी वगैरह एक मैच देखते हैं उसके बाद जाएंगे। बालिका खिलाड़ी बच्चों का कबड्डी का फाइनल मुकाबला बिल्कुल तैयार है, बच्चे अपने मुकाबले में भाग लेने के लिए। तो अभी गर्ल्स लोगों का कबड्डी देखते हैं और मजा लेते हैं गर्ल्स का। दोनों टीम को बहुत बधाई शुभकामनाएं। चलो भाई साहब फोटोशूट हो रहा है, फोटोशूट कबड्डी फाइनल हो रहा है, क्रम में प्रवेश करेंगे हम। लेकिन जिसके बगैर हमारी जीवन को एक दिशा मिल रही है, हमारा जीवन यापन हो रहा है। माता चौदह ना फाग मार हो जाएगा, झंडे से बचाओ, देख लो करें उसको भी लोग करते हो। मार्च पास के लिए बच्चों को लाना पड़े प्लीज, सभी टीचर बच्चों को छोड़ दो, छोड़ दो बाकी लाने के लिए मार्च पास के लिए। अनिल हम निकल रहे हैं, टाइम हो रहा है, जाते हैं घर। ये है पीछे डोंगर गाँव मोहड़ का स्कूल। किरा